So, hey guys, welcome back to Byte Apple. तो क्या आपने कभी सोचा है एप्पल की जितनी भी एसेसरीज होती हैं या फिर आपको कह सकते हैं एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं? और आज की इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट व्हाइट कलर के हमें क्यों देखने को मिलते हैं। तो बहुत पुरानी बात है, जब एप्पल अपना आईपॉड बना रहा था और जब आईपॉड बन चुका था लगभग और उसे अपने हेडक्वार्टर की तरफ ले जाया जा रहा था, तो जॉनी ईव उन्होंने सजेस्ट किया कि जो एप्पल के जो ईयरफोन है उन्हें वाइट कलर का रखो और जो एप्पल है उसे भी जो सॉरी आईपॉड है उसे भी वाइट कलर का रखो। तो वहाँ पर लोगों ने बोला कि आप श्योर हो कि इसे वाइट कलर का रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी हमें एसेसरीज देखने को मिलती थी वो ब्लैक कलर की देखने को मिलती थी। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा और वाइट कलर रखना पहली बात गंदा भी होता है, और उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची थी गंदे की। बेसिकली उन्होंने ये सोचा था कि सारी जो एसेसरीज हैं वो हमें देखने को मिलती है ब्लैक कलर में और आप हमें सजेस्ट कर रहे हो वाइट कलर के लिए। तो ये बात गई स्टीव जॉब्स तक, और जॉनी ईव का रीज़न ये था कहने का कि वाइट कलर, क्योंकि वाइट कलर एक प्योर कलर है, वो सबसे ज़्यादा प्योर है और उसकी डिसेंसी को दिखाता है। तो यही बात स्टीव जॉब्स को भी हिट करी और स्टीव जॉब्स ने उनकी पूरी साइड दी और उन्होंने बोला कि हाँ, जो आईपॉड है वो वाइट कलर के ही आने चाहिए और उनके साथ ईयरफोन भी। और इसके पीछे का आप एक और रीज़न कह सकते हो, क्योंकि एप्पल हमेशा चाहता है कि वो अपना जो भी प्रोडक्ट है ना उनका, वो यूनिक होना चाहिए। अब किसी का भी प्रोडक्ट यूनिक कैसे दिख सकता है? आप सोचो, मार्केट में हज़ार तरीके के ईयरफोन हैं और सारे ईयरफोन ब्लैक कलर के आते हैं। अगर आपने वो ब्लैक कलर का ईयरफोन पहना, क्या मैं पहचान पाऊंगा कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है? नहीं। बट अगर मार्केट में सारे ब्लैक कलर के हैं और मैंने वाइट कलर का पहना है और मुझे पता है कि एप्पल का ईयरफोन वाइट कलर में आता है, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, ये पर्सन एप्पल का ईयरफोन यूज़ कर रहा है। तो एक तरीके से वो ब्रांडिंग अपने आप हो रही थी, जब मैं देख रहा था कि लोगों को अच्छा इसने व्हाइट पहना, इसने व्हाइट पहना, एप्पल एप्पल एप्पल, और जबकि ब्लैक में चाहे मेरे पास एक ही ब्रांड था पर मुझे पता नहीं चल रहा था ये जो ब्लैक कलर का है वो किस ब्रांड का है। तो यहाँ से एप्पल को ये भी फायदा मिला। तो एप्पल ने क्या करा, एप्पल की जितनी भी एसेसरीज आपको देखने को मिलती है यहाँ पर वाइट कलर की ही देखने को मिलती है ज़्यादातर जितनी भी एसेसरीज आई। तो यहाँ पर एप्पल को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला और एप्पल अपना एक कैंपेन भी लाया था, थिंक डिफरेंट। उस कैंपेन में भी एप्पल ने यहाँ पर इसे शोकेस किया। और फिर उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, अब आपको पता है कि एप्पल जो कुछ लॉन्च करता है, हमारे पास दो ऐसे ब्रांड हैं जो उसे ऐसे कॉपी करते हैं जैसे उन्हीं का हो, रियलमी और शाओमी। एप्पल अपने एयरपोर्ट लाएगा वो भी निकालेंगे, वाइट कलर में लाएगा वाइट में निकालेंगे, ब्लैक में निकालेगा ब्लैक में निकालेंगे। एप्पल निकालता है वाइट कलर में तो उन्होंने वाइट कलर में निकाल दिए। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इधर भी वाइट, मैं पहचानूंगा कैसे, हमें पता कैसे चलेगा? तो एप्पल ने क्या किया इस बार, अब क्योंकि वो गेम ख़त्म हो चुका था टोटली, अब वो सेम साइकोलॉजी के साथ नहीं खेल सकते थे। तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट में उतरो ज़्यादा कलर्स के साथ, और कलर्स के साथ अपने कलर्स लेके आओ और उन्हें और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाओ अपने प्रोडक्ट्स को। तो इसलिए आपको आजकल देखने को मिलता है कि एप्पल अब वाइट कलर के अलावा भी बाकी कलरों की तरफ जा रहा है, जिससे अब इमेज तो है ही उसकी, ब्रांड इमेज तो है ही, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें पता ही। तो फिर और ऑब्वियसली बात है, जब दूसरा ब्रांड उसे कॉपी करते ही जा रहे हैं तो उस वाइट कलर की कोई वैल्यू रह नहीं गई वहाँ पर। तो वहाँ पर फिर अब एप्पल आपको दिखता है कि आजकल एप्पल अपने कलरफुल प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहे हैं, जैसे कि आपको देखने को मिला आईमैक में, और भी आपको अब बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है आईफोन्स लगातार नए नए कलर में आते जा रहे हैं, लगातार नए नए कलर एप्पल इंट्रोड्यूस करता जा रहा है हमारे सामने। तो ये थी कहानी क्यों एप्पल के सारे प्रोडक्ट हमें वाइट कलर के देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब आइकन और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।